नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube ऑनलाइन YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने इस लेसन नंबर 6 का रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, इसका लास्ट यानी हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में लास्ट क्लास में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उत्प्रेरक। मैंने कहा था ये पार्ट को दो चैप्टर में बांटा था, एक तो रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन आएगा कन्फर्म और एक किससे उत्प्रेरक से। आगे बात सुनिए, तो अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे बताओ, उत्प्रेरक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो उत्प्रेरक क्या होते हैं, ध्यान दे आप, उत्प्रेरक क्या होते हैं, देखो उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो क्या रहते हैं, इस किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग को परिवर्तित करते हैं, लेकिन बट ये ध्यान रखना लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें उत्प्रेरक कार्य क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे और अभिक्रिया के वेग को घटाएंगे आगे, लेकिन स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि उत्प्रेरक में कोई बदलाव नहीं होता है। सही है, एक चीज का ध्यान रखेंगे, आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे, कोई अगला लेसन स्टार्ट करना है उसके बारे में बोलेंगे आप, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें और पूरा अच्छी तरीके से देखें वीडियो को। तो देखो उत्प्रेरक, सबसे पहले उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, इसे तो क्या बोलेंगे आप, उत्प्रेरक। इसे तो इस घटना इसको क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक। लेकिन सुपरमोस्ट ध्यान रखना, इस घटना को सिंपल सा है, इस घटना को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं इसे, उत्प्रेरण। एक बार डेफिनेशन आ गई सर, उत्प्रेरण किसे कहते हैं। तो देखो ये क्या बोला आपने कि ऐसे पदार्थ, पूरा लिख रहा है, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, इसे तो कहेंगे हम उत्प्रेरक। और इस जो ये पूरी घटना हुई है, इस घटना को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण। बात समझ में आई नहीं, तो ये तो हुआ आपका उत्प्रेरक। जैसे मान लो उदाहरण के लिए ले लिया मैंने वनस्पति की, और वनस्पति घी कि मैं जैसे वनस्पति घी लिया, उसके हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई वनस्पति घी और इसके अभिक्रिया करवाई प्लस H2O से, तो बताओ इसकी तीर के निशान के ऊपर आता है उत्प्रेरक। मैंने ये बताया था भाई, जब भी उत्प्रेरक लेते हैं वो तीर के निशान के ऊपर लेते हैं, तो तीर के निशान के ऊपर ले लिया मैंने उत्प्रेरक, और बताओ ये क्या है, वनस्पति की, और वनस्पति की ये देखो इस पे तीर के निशान पर क्या है, निकल, और ये क्या है, उत्प्रेरक है, ये निकल है, और ये क्या करेगा यहाँ पर बताओ, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो ये निकल उत्प्रेरक है, वनस्पति घी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं इसकी। आगे बात सुनिए, तो जैसे ये निकल उत्प्रेरक वनस्पति घी की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और ये क्या बना लेता है, सॉरी वनस्पति घी बनाएगा, वनस्पति। अब ध्यान दे आप बताओ ये निकल क्या करता है, यानी देखो स्वयं तो ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा यहाँ पर, और स्वयं क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन अभिक्रिया की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आगे ना आधार पर, इस आधार पर देखो उत्प्रेरक के हम टाइप्स पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार। ध्यान दो सामने देखो, आप अच्छे प्रकार से भली प्रकार से ध्यान देंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इजी है, एकदम समझने में भी इजी है, और ये उत्प्रेरक वाला टॉपिक है, ये छोटा सा है, आज की क्लास में ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ा जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इससे अगले नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आऊंगा, अगला जो नया चैप्टर है जो आप कहेंगे सातवां आठवां, और जो भी चैप्टर आप इस चैप्टर में ज्यादा दिक्कत है केमिस्ट्री का लेंगे। तो अवस्था के आधार पर देखो उत्प्रेरक के प्रकार, अवस्था के आधार पर देखो उत्प्रेरक होते हैं दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। नंबर एक कौन सा, समांगी उत्प्रेरक। पहला तो कौन सा आया, समांगी उत्प्रेरक, एक तो होता है समांगी उत्प्रेरक, और सेकंड है दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक, जो मैं आपको ऊपर मिटा के लिख दूंगा, विषमांगी उत्प्रेरक। एक तो होता है समांगी उत्प्रेरक, तो सबसे पहले देखो समांगी उत्प्रेरक के बारे में, एक होता है विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक। ध्यान दो समांगी उत्प्रेरक, देखो समांगी नाम से स्पष्ट है, किसी भी अभिक्रिया को इसकी डेफिनेशन देना चाहेंगे, समांगी, समांग यानी समान यानी लगभग। तो देखो इसके आधार पर क्या कहेंगे कि ऐसी रासायनिक से या ऐसे पदार्थ
जिनकी देखो तीनों अवस्था यानी ऐसे पदार्थ जिनमें उत्तेजना, आप अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और डेफिनेशन भी एकदम इजी है। तो देखो समांगी उत्प्रेरक के बारे में अगर आप अच्छी प्रकार से देना चाहें तो देखो समांगी उत्प्रेरक होते क्या है वो सबसे देखो समांगी उत्प्रेरक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखेंगे आप, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभी उत्प्रेरक व अभिकारक एवं जिनमें रासायनिक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्प्रेरक अभिकारक एवं उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान हो उसे क्या कहेंगे, उसे बताओ क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे आप इसे, समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ध्यान दे दोबारा से आप सामने, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्प्रेरक व अभिकारक एवं उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो, समान हो, यानी अभिकारक की, उत्प्रेरक की और उत्पाद की तीनों की भौतिक अवस्था ही क्या हो, बताओ, समान। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया बताओ क्या होती है, ऐसा उत्प्रेरक कौन सा कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक। देखो ध्यान दो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सोडियम दे रहा हूँ आपको साथ में, ये सल्फर डाइऑक्साइड, आगे साथ में O2 ऑक्सीजन और इसकी अभिक्रिया उत्प्रेरक है इसमें NO, आगे ना ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस है और ये बना रहा है सोडियम ट्राई ऑक्साइड SO3 बना रहा है सोडियम ट्राई ऑक्साइड। आगे बात समझे तो देखो ये सोडियम ट्राई ऑक्साइड बन रहा है, संतुलित कर देते हैं इसको, चाहिए देखो दोनों तरफ, तो ये बन रहा है सोडियम ट्राई ऑक्साइड। अब सोडियम ट्राई ऑक्साइड जो अब हम बना रहे हैं, आगे इन तीनों की देखो अवस्था देखनी है। मैंने कहा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्प्रेरक व अभिकारक एवं उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था ही क्या होनी चाहिए, बताओ, समान होनी चाहिए तीनों की भौतिक अवस्था। देखो तीनों की भौतिक अवस्था समान है क्या नहीं है, ध्यान दो, देखो इसकी भौतिक अवस्था गैस, आगे बात सुन, इसकी भौतिक अवस्था गैस, ये भी गैस है और बताओ इसकी भौतिक अवस्था गैस, ये नीचे तो लिखते हैं। मैंने आपने अभिक्रिया इसमें लिखा ना रासायनिक अभिक्रिया के चरण, उसमें कहा था इनके प्रत्येक नीचे लिखते हैं, तो देखो तीनों की भौतिक अवस्था समान है ना, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया तीनों की भौतिक अवस्था ही क्या हो, समान हो, तो बताओ वो कौन सा कहलाता है, समांगी उत्प्रेरक। इसके बाद नेक्स्ट आता है बताओ कौन सा, विषमांगी उत्प्रेरक। आगे बात समझा, विषमांगी उत्प्रेरक में क्या होगा, बताओ सेम ऐसी कैसी परीक्षा होगी, इनमें से अगर एक की भी भौतिक अवस्था ही चेंज है तो बताओ वो कौन सा अभिकार हो जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक। तो ध्यान दो, देखो अगला नेक्स्ट है आपके सामने दो, यानी आप किसके आधार पर पढ़ रहे हैं आप बताओ, किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, अवस्था के आधार पर आपने पहला तो पढ़ा हुआ था कौन सा, समांगी, और अब दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं बताओ, विषमांगी, कौन सा पढ़ रहे हैं आप, विषमांगी उत्प्रेरक। ध्यान दो, विषमांगी का मतलब अलग अलग, तो आप इसकी डेफिनेशन तो कैसे देंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें बताओ उत्पाद या अभिकारक या तीनों में से क्या हो उनकी भौतिक अवस्था, तीनों में से किसी एक की, ऐसे नहीं है सभी की, लगभग तीनों में से किसी एक की भी क्या हो अवस्थाएं अलग अलग हो या तीनों में से किसी एक की अवस्था अलग हो तो बताओ ऐसा जो अभिकारक होगा तो उत्प्रेरक होगा वो कौन सा है, उत्प्रेरक कहलाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझना चाहें, एग्जाम्पल जैसे मैंने दे दिया नाइट्रोजन लिया, देखो ले लिया मैंने N2+H2T का सिंबल और इस पर ले लिया मैंने Fe और ये बन गया आपका NH3। आगे बात सुन, तो ध्यान दो, देखो इसको संतुलित करने के लिए तीन लगा, आगे बात सुन, अब ध्यान दो मैंने क्या कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, अब बताओ नाइट्रोजन की अवस्था बताओ गैस, हाइड्रोजन की अवस्था गैस, इधर बताओ ये गैस, आप बताओ इसकी अवस्था बताओ आप सॉलिड टॉस, भाई आयरन है Fe आयरन, इसकी अवस्था बताओ कौन सी है सॉलिड है, तो देखो उत्प्रेरक अभी उत्पाद या अभिकारक तीनों में से अगर किसी एक की भी अगर बताओ अवस्थाएं क्या है अलग है, ये मैंने नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन की गैस है, अमोनिया गैस है, तो बताओ इसके आधार और ये उत्प्रेरक लिया मैंने तीर के निशान के ऊपर, इसकी अवस्था कौन सी है बताओ सॉलिड है टॉस अवस्था है, तो मैंने ऐसे ले लिया, तो मैंने इसमें इसमें अंतर क्या रहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक अभिकारक या उत्पाद तीनों में से किसी की एक अवस्था ही क्या हो अलग हो तो बताओ वो कौन सा उत्प्रेरक कहलाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। तो परिभाषा आसानी से याद हो जाएगी, ये एग्जांपल है सामने, या एक एग्जांपल देना, ध्यान रखना एग्जांपल जरूर देना है, अगर परिभाषा पूछता है तो आपको एग्जांपल से डिफाइन जरूर करना है।
तो ये एग्जाम्पल दे देना। आगे बात समझे, अब तो ये तो हो गया किसके आधार पर, यानी अवस्था के आधार पर, अब पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर। ये भाई दो प्रकार की थी अवस्था के आधार पर, तो एक तो था समांगी और दूसरा तो कौन सा था विषमांगी। अब पढ़ेंगे हम किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर। देखो क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं कंफ्यूज होने की अवस्था ही है। अगर अगले एग्जाम में पूछता ना अवस्था के आधार पर, तो अवस्था के आधार पर दो होते हैं समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी। और बताओ क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। और कौन से देखो मैं बताता हूं आपको, आप पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक आप क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक चार प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है धनात्मक उत्प्रेरक, सेकंड है ऋणात्मक उत्प्रेरक, और थर्ड है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक और फोर्थ है आपका, चौथा फोर्थ है आपका जैव उत्प्रेरक या जैव रासायनिक उत्प्रेरक जो भी बोल सकते हैं। देखो धनात्मक उत्प्रेरक सबसे पहले क्रिया के आधार पर सबसे पहले बताओ कौन सा आया है, धनात्मक उत्प्रेरक। क्या होते हैं देखो धनात्मक उत्प्रेरक, यानी मैंने आपको अवस्था के आधार पर दो बताए, क्रिया के आधार पर बताओ कितने बताए, चार बताए। अब देखो धनात्मक इसके आधार पर धनात्मक अभी कितने प्रकार के धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं कि ऐसी, यानी देखो आप कहें तो ऐसा उत्प्रेरक या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो बताओ, ऐसा अभिकारक जो उत्प्रेरक, सॉरी ऐसा उत्प्रेरक जो क्या होते हैं अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या होते हैं बढ़ा देते। देखो धनात्मक नाम से पहले धन है तो ये क्या करेगा बताओ, अभिक्रिया इसकी क्रियाशीलता क्या होगा बढ़ा देगा, यानी अभिकारक की क्रियाशीलता क्या कर देगा बढ़ा देगा। धनात्मक उत्प्रेरक में क्या कहेंगे, ऐसा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक क्या करता है अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, तो बताओ वो कौन सी अभिक्रिया कराती है, धनात्मक उत्प्रेरक। वैसा उत्प्रेरक कौन सा कराता है, धनात्मक उत्प्रेरक। जस्ट इसका उल्टा ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऐसा उत्प्रेरक जो क्या करता है बताओ अभिक्रिया की क्रियाशीलता को कम कर देता है, तो वो कौन सा उत्प्रेरक कहलाता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा धनात्मक उत्प्रेरक का एग्जाम्पल। तो देखो धनात्मक उत्प्रेरक का एग्जाम्पल क्या है, ध्यान तो देखो आपने अभी एक पहले भी काम में लिया था ये SO2 प्लस, किसमें काम में लिया था एग्जाम्पल O2, और इस पर लिया था आपने NO और साथ में देखो 2SO3, यानी डाइसल्फेट आपने सल्फेट लिया था और इसके अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई थी सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या बना था आपके सामने सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये क्या है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर जो ये NO है सोडियम ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या करते हैं अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ा रहे हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये देखो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना रहा है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, अर्थात ये NO क्या कर रहा है अभिक्रिया की क्रियाशीलता को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है। तो ऐसी राशि यानी ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं, वो कौन से उत्प्रेरक कहलाएंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप धनात्मक उत्प्रेरक। ऐसे जो ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं वो कौन से कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। इसके बाद जस्ट है कि ऐसे उत्प्रेरक जो क्या करते हैं अभिक्रिया की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, अर्थात अभिक्रिया की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, तो बताओ वो कौन से उत्प्रेरक कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो देखो ऋणात्मक उत्प्रेरक में मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2S2O2, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन प्रोक्साइड। 2S2O2 का मतलब क्या होता है बताओ, ये होती है हाइड्रोजन प्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड अगर ग्लिसरीन की उपस्थिति देते हैं इस पर, किसकी उपस्थिति, ग्लिसरॉल, गिल सॉल्ट, तो बताओ ये किसमें 2S2 प्लस साथ में क्या बनता है बताओ, 2S2 के साथ में ये बन जाता है इसका H2O और 2S2 और साथ में बताओ इसके साथ और क्या बनता है O2 ऑक्सीजन। आगे पास करो, अब ध्यान दो देखो ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक में क्या होता बताया मैंने बताओ, ऐसा उत्प्रेरक यानी ऐसा उत्प्रेरक जो क्या करते हैं अभिक्रिया की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये बताओ ये होता है हाइड्रोजन प्रोक्साइड, ये क्या होती है हाइड्रोजन प्रोक्साइड, हाइड्रोजन प्रोक्साइड का सूत्र रहता है H2O2। तो अब इस H2O2 को ग्लिसरीन की उपस्थिति, ये क्या ग्लिसरॉल क्या करेगा, इसकी अभिक्रियाशीलता क्या करेगा कम करेगा, इसको किसमें एस्ट्रोजल प्लस ऑक्सीजन में क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, तो ये अभिक्रिया की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं। ऐसे उत्प्रेरक बताओ कौन से उत्प्रेरक कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। फिर इसके बाद जस्ट अगला आता है स्वतः उत्प्रेरक, देखो नाम से इस पर स्वतः मतलब खुद का खुद ही, स्वतः का मतलब होता है स्वयं, तो ऐसे उत्प्रेरक जो क्या करते
ये स्वयं उत्पाद ही यानी जो अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद बनता है ना, ये अभिकारक क्रिया करते हैं और अभिकारक क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो स्वयं उत्पाद ही बताओ किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे मान लो मैंने लिया C2H5। इस सूत्र के बारे में हम आठवें लेसन में अध्ययन करेंगे अच्छी प्रकार से, ये कैसे क्या बनता है, किस टाइप से बनता है, वो मैं आपको जस्ट अगले चैप्टर में बताऊंगा, अभी बात समझ में। और इसके अभिक्रिया किससे करवाई आपने, जल के साथ करवाई, किसके साथ करवाई, जल के साथ, H2। आगे बात समझ में। तो बताओ ये क्या क्या बना दिया, एक तो बना दिया ये एसिटिक अम्ल और एक बना दिया बताओ एथेनॉल। तो बताओ एसिटिक अम्ल CH3CH और प्लस एथेनॉल C2H5O, ये बना। आगे बात सुनते हैं, अब ध्यान दो, देखो ये ऐसे ये एक तो बना दिया एसिटिक अम्ल और दूसरा अगला क्या बनाया बताओ एथेनॉल। अब देखो एथिक एसिड लिख देता हूं मैं यहां पर, ये तो है एसिटिक अम्ल और ये है एथेनॉल। अब इसमें देखो क्या होता है, स्वयं देखो ये जो उत्प्रेरक है ना, ये उत्प्रेरक ही बताओ किसका कार्य करता है, सौतः उत्प्रेरक का, देखो नाम से स्पष्ट है सौतः उत्प्रेरक का मतलब ये स्वयं जो उत्पाद है, ये उत्पाद बदला है ना, ये स्वयं उत्पाद जो बदला है वो स्वयं भी बताओ किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता था। जो एसिटिक अम्ल है यही किसका कार्य करता है, उत्पाद था इसको बदलने में रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे आप इसकी परिभाषा क्या देंगे, लिख सकते हैं ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहलाते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहलाते हैं। आगे बात समझ में, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कौन सा अभिकारक कहलाता है, कौन सा उत्प्रेरक कहलाता है, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। और ये एग्जाम्पल दे देना। आगे आता है जैव उत्प्रेरक, आगे कौन सा उत्प्रेरक आता है, जैव उत्प्रेरक। और जैव उत्प्रेरक में क्या है, देखो ऐसा यानी इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो ऐसा यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। जैव उत्प्रेरक क्या करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी जैव रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाते हैं। जैसे आपने लिया माल्टोज, अगर बात समझ दूसरे पार्ट में ये सूत्र वगैरह माल्टोज, और उसमें आप माल्टेज होता है एक माल्टोज, ये माल्टोज का होता है माल्टेज, ये उत्प्रेरक है, ये माल्टोज अभिकारक है, ये माल्टेज माल्टोज को माल्टेज किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज। आपने सूत्र पढ़ा C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र, यानी माल्टोज है जो माल्टे, ये माल्टोज अभिकारक है, ये माल्टेज क्या है, उत्प्रेरक है। ये कौन सा उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक है। कौन सा उत्प्रेरक है, जैव, जो अभिक्रिया जैव रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इसको किसमें चेंजिंग कर रहा है बताओ, ग्लूकोज में चेंज कर रहा है, किसमें चेंज कर रहा है, ग्लूकोज में। तो ये हो गया जैव उत्प्रेरक। आगे बात सुनते, ये क्रिया के आधार पर चारों टाइप्स हो गए। अगर इनमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, सर दोबारा कोई आपको रिएक्शन वगैरह में दिक्कत हो या एग्जाम्पल वगैरह में दिक्कत हो तो बताएंगे आप। आपके चारों पर धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। देखो NO वहां पर बढ़ा रहा है, एक बार फिर से देख लें, ऋणात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, जरा गिल्स रूल। और सवतः उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिनयशील रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद स्वयं किसका कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो बताओ वो कौन सा होता है, सवतः उत्प्रेरक होता है। और चौथी स्पेड आपने पढ़ी की जैव उत्प्रेरक, तो ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। वो कौन से कहलाते हैं, जैसे माल्टोज चेंज करते हैं, किसमें उत्प्रेरक किसको चेंज कर देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये तो हो गया आपके क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक। आगे बात समझते हैं, अब क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, उत्प्रेरक के अंदर जो क्रिया होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वो देखो अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। लगभग ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला ही है और फिर नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हम, इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको नया चैप्टर डालेंगे इसमें। और ध्यान दो देखो आगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है, यानी आप जो उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कुछ क्या होते हैं, कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। अब इसमें पहला दो प्रकार से होता है, पहला तो होता है उत्प्रेरक वर्धक, देखो नाम से स्पष्ट है वर्धक यानी बढ़ने वाला, उत्प्रेरक वर्धक। सेकंड आता है इसके अंदर बताओ उत्प्रेरक विष,
किसके बारे में प्रजेंट करेंगे उत्प्रेरक, तो मैं लिख देता हूं वे पदार्थ जो अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। बताओ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या करते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर क्या करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। तो बताओ वो कौन से कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ये क्या करेंगे कि जो उत्प्रेरक आएगा वो उत्प्रेरक क्या करेगा, अभिक्रिया इस उत्प्रेरक की ही क्रियाशीलता बढ़ाएगा। तो वो क्या किसका कार्य करेगा बताओ? उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया N2 नाइट्रोजन ले लिया और हाइड्रोजन और साथ में ले लिया Fe और M, ये मॉडेलियम आयन है और ये क्या करेंगे इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे और ये क्या बन गया CH। तो बताओ ये इसके अंदर क्या होगा भाई? आयरन तो पहले से ही रिप्रेजेंट, देखो एक बार ये और देखो दोनों में डिफाइन करता हूं, एक होता है उत्प्रेरक विष, तो इसकी डेफिनेशन क्या जाएगी, सेम हो जाएगी कि वे पदार्थ जो क्या करेंगे अभिक्रिया में मिश्रण को मिलाने पर क्या करते हैं उत्प्रेरक की क्रियाशीलता उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा रहे हैं, तो वो तो उत्प्रेरक वर्धक हो गए, और जो उत्प्रेरक इसकी क्रियाशीलता को कम कर रहे हैं वो क्या हो गए बताओ? उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। तो उत्प्रेरक विष के अंदर दे रहा हूं, देखो वही सेम एग्जांपल है, जो ध्यान दो मैंने ले लिया N2 3H2 और देखो Fe और CO, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब सिगरेट की धुआं में उपस्थित होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसका कार्य करता है और 2NH3। आगे बात सुनिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड अपने एक तनाव होता है, थोड़ा इसका कार्य करता है अपने। तो देखो CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब ध्यान दीजिए आप आगे बात समझ रहे हो, दोनों में सेम है, Fe दोनों में है, इसमें तो MO दे रखा है। आगे बात समझ में, इसमें तो होता है मोलिब्डेनियम, इसको बोलते हैं मोलिब्डेनियम आयन। देखो लिख देता हूं मोलिब्डेनियम आधा बाई, अब मोलिब्डेनियम आयन है। अब ध्यान दो आप वे, अब देखो दोनों के अंदर क्या है, सेम एग्जांपल है, दोनों के अंदर इसमें क्या कर रहा है वे अभिकारक जो उत्प्रेरक मिल रहा है वो उत्प्रेरक क्या करता है उसकी क्रियाशीलता को, जो नया उत्प्रेरक मिल रहा है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है और ये उत्प्रेरक क्या कर रहा है इसकी क्रियाशीलता को कम कर रहा है। देखो दोनों आयनों में अभिक्रिया मिश्रण Fe आयन, दोनों में आयरन है, इसमें भी आयरन है, आगे ना Fe, तो देखो इसके अंदर क्या होगा MO, ये तो क्या कर रहा है इसके साथ मिलते हैं इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, तो ये NH3 सेम बोथ बन तो वाला, लेकिन ये क्रियाशीलता को उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, और यहां पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड सेम आयन आयरन के साथ मिल रहा है, तो आयरन के साथ मिलते हैं बताओ इसकी क्रियाशीलता को क्या करता है कम करता है, अर्थात इसकी क्रियाशीलता कम होते वही आयन वही बढ़ा रहा है, बढ़ाने को तो 2NH3 आगे अमोनिया। तो ऐसे यहाँ पे पदार्थ जो अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं वो तो उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, और जो इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं वो क्या करते हैं वो किसका कार्य करते हैं उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। तो ये हो गया आपका उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्प्रेरक के गुण, भाई उत्प्रेरक के अंदर क्या क्या गुण होते हैं वो गुण देख लो, 6-7 पॉइंट और अपना लगभग ये वीडियो है वो समाप्त है की ओर है। ध्यान से देखो 6-7 इसके हैं कि उत्प्रेरक के गुण क्या क्या होते हैं, अपने उत्प्रेरक क्या क्या कार्य करते हैं, तो ध्यान दो देखो उत्प्रेरक के गुण। अब अगला तो नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के गुण। इसके बीच आपको अगर वीडियो में कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे सर इस वीडियो में हमारी ये दिक्कत है, समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप जरूर बताएंगे, लेकिन अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको और बढ़िया तरीके से डिफाइन होगा, तो आप एक काम जरूर करेंगे वीडियो को अच्छी तरीके से सही प्रकार से देखिए। अब ध्यान दो देखो सबसे पहले गुण में देखो पहले क्या करता है कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। पहला पॉइंट है कि उत्प्रेरक क्या करते हैं अभिक्रिया के वेग को
परिवर्तित करते हैं और कुछ ही नहीं करते हैं, ये स्योम आयन परिवर्तित रहते हैं, ये केवल ये उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित क्या कर देते हैं, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। आगे बात समझे, और यानी स्योम को क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं और केवल चेंजिंग किस में करते हैं, अभी उत्प्रेरक करते हैं, जो अभिक्रिया होती है उसके वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और साथ में ये जो उत्प्रेरक है वो सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, उत्प्रेरक क्या होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, सूक्ष्म मात्रा में पाए, जैसे मान लो पाए जाते हैं, जैसे मान लो आपको दूध के अंदर, जैसे नींबू है, नींबू को आप दूध के अंदर डालो, आगे बात, अब इसकी दो तीन बूंद निकालती है, तो ये उत्प्रेरक होते हैं ना, वो उत्प्रेरक कम मात्रा में यानी सूक्ष्म मात्रा के अंदर ही क्या है उपस्थित होता है, ये जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया में कम से कम मात्रा में उपस्थित होता है और वो उसको क्या करता है, सूक्ष्म मात्रा में ही पाए जाते हैं। आगे देखो जो थर्ड इसका है, यानी कम मात्रा में पाए जाते हैं, उत्प्रेरक के लिए क्या होते हैं, देखो जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के लिए विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। भाई देखो तीसरा ये कह रहा है कि जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक के लिए या अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए एक विशेष, के लिए एक विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, एक विशेष उत्प्रेरक की, भाई ऐसा तो है नहीं उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। आप ध्यान दीजिए, आप एक ही उत्प्रेरक सभी में काम करता है, अभी आपने लिया कि जो उत्प्रेरक वर्धक बढ़ा रहा था उसमें आयरन मोलिब्डेनम आयन लिया था हमने, और जो अभिक्रिया की दर को कम कर रहा था उसमें एफ ही, और बताओ साथ में क्या लिया था आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। तो मैंने क्या लिखा है कि अभिक्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक की क्या होती है, आवश्यकता होती है, अलग अलग अपना विशेष उत्प्रेरक होता है अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए। अगला ये यानी पर्सनल जो है इसका किसी एक का नहीं होता, भाई सभी में एक ही उत्प्रेरक कार्य करता हो। अगला है कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, ध्यान रखना कभी भी ये जो उत्प्रेरक होते हैं वो कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, वो तो अभिकारक से होते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, प्रारंभ नहीं करते, यानी कभी भी जो अभिकारक को अभिक्रिया को प्रारंभ करने में काम में नहीं ले जाता, ये तो क्या होते हैं, अभिकारक के बाद और उत्पाद के दोनों के बीच में तीर के निशान के ऊपर इंगित करते हैं, अर्थात ये अभिकारक को और क्रियाशीलता बढ़ाकर बताओ उत्पाद में बदलने का कार्य करते हैं, लेकिन स्वयं परिवर्तित रहते हैं, ध्यान रखना। अगला देखो इसका पांचवा पॉइंट है कि जो उत्प्रेरक होते हैं उसे उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए जो उत्प्रेरक होते हैं दोनों दिशाओं में समान रूप से कार्य करते हैं। देखो एक सा बता, बार बार उत्क्रमणीय रिएक्शन भी पढ़ लिया आपने, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है अर्थात ऐसे रिवर्सिबल अभिक्रिया, जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि ए प्लस बी बना इससे बताओ वापस सी प्लस डी, और यानी इससे सी प्लस डी से वापस, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बताओ क्या हो अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस क्या बनाया जा सकता है, अभिकारक बनाया जा सकता है, ऐसी कौन सी होती है उत्क्रमण। तो इनमें जो क्या वो देते हैं ना जिज्ञा, यानी जो इसके ऊपर जो आप वो लेते हैं उत्प्रेरक को समान रूप से, जिस प्रकार से अभिकारक में कार्य किया है उत्पाद बनाने में उतना ही कार्य अभिकारक से वापस उत्पाद बनाने में कार्य, अर्थात दोनों में समान रूप से कार्य करता है, इन्हें अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक क्या होता है समान रूप से कार्य करता है। अगला नेक्स्ट गुण है लाइफ का छठवा गुण है वो देखो क्या है कि जो ये उत्प्रेरक होते हैं वो एक निश्चित ताप पर अधिक्रियाशील होते हैं। देखो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो अधिक्रियाशील होगा, कम टेम्परेचर होगा। अब जैसे मान लो इसको समझो आप कैसे, जैसे आपने दूध लिया, एक तो गर्म दूध है एक ठंडा दूध है, आप दो तीन बूंद नींबू के रस की आप गर्म दूध में डालिए वो जल्दी से खराब होगा, और जो आपने ठंडा दूध है वो धीरे धीरे रिएक्शन क्रिया करने के पश्चात वो क्या होगा खराब होगा। तो आप यानी कि निश्चित टेम्परेचर अधिक ज्यादा टेम्परेचर होगा यानी तापमान की मान अधिक होगा तो ये उत्प्रेरक जल्दी कार्य करेंगे, और किसी वस्तु का टेम्परेचर कम होगा तो ये क्या करेगा कम कार्य करेगा। आगे बात सुन में तो ये अभिक्रिया ये उत्प्रेरक होते हैं निश्चित ताप पर अधिक्रियाशील होते हैं, कम ताप पर कम क्रियाशील होते हैं। आगे है कि ये जो आपका है उत्प्रेरक है वो उत्प्रेरक क्या होता है स्वयं अपरिवर्तित है, स्वयं किसी प्रकार का क्या होता है कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। इसके साथ आपका लेसन नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक कंप्लीट होता है, और इसी के आधार पर आपको मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। और अगला जो एक वीडियो है इसमें हम बोर्ड के आधार पर कुछ क्वेश्चन भी डालेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल जीपी एजुकेशन में, और आपको हम लगातार ये सारे चैप्टर्स पूरा सिलेबस कराएंगे जीपी एजुकेशन में, और साथ ही साथ आप अपने इसे करने के पश्चात जो हमारे क्वेश्चन डालेंगे इन क्वेश्चन को जरूर देखिए, हम क्वेश्चन भी डालेंगे। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।